एक नए सर्वे में पाया गया है कि सरकारी बैंक के कर्मचारी दुनिया में सबसे धीमी गति से चाय पीते हैं। दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर बोला, झगड़ा मत करो, तुम दोनों में जो भी उम्र में बड़ी हो वो सीट पर बैठ जाए। बस फिर क्या था, दोनों लड़कियां पूरे रास्ते मुंह फुलाई खड़ी ही रही। अंबानी के नाना बनने की खबर के साथ लोग अब 3 महीने के प्री रिचार्ज का लिंक भेजेंगे, लेकिन आप सावधान रहना। बेरोजगारों की जान पहचान तो इतनी है कि पूछो ही मत। जिस भी गली से गुजरते हैं बेचारे, पीछे से आवाज आती है, ए भाई खाली होगा तो आटा पीस कर ला दे। हाथ देखकर अंत में ज्योतिष ने आदमी से पैसे मांगे तो उस आदमी ने कहा, इतनी देर मेरा हाथ देखने के बाद भी आपको ये ज्ञान नहीं हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं है? ज्योतिषी बेहोश हो गया। किसी ब्यूटी पार्लर में एक व्यक्ति गया जहाँ से उसकी बीवी ने शादी से पहले मेकअप करवाया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक आईफोन 12 गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और चला आया। मैडम ने खुशी खुशी आईफोन का डब्बा खोला तो वो अचंभित रह गई। उसमें नोकिया 1100 पड़ा था, साथ में एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, मेकअप उतरने के बाद मुझे भी ऐसे ही झटका लगा था, ब्यूटी पार्लर वाली मैडम बेहोश। आपको किस एज में पता चला कि स्कूल का मतलब स्टडी सेंटर हाउस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग होता है? साहूकार बोला, तुमने अपने कर्ज के रुपए अभी तक नहीं चुकाए, चलो बीच का मामला तय हो जाए। तुम्हारे कर्ज का आधा भाग मैं भूलने को तैयार हूँ, पप्पू कर्जदार मंजूर, बाकी आधा भाग मैं भूलने को तैयार हूँ। ये इंडिया है मेरी जान, यहाँ आदमी गेहूँ के बजाय आटा पिसाने जाता है और महिलाएं दूध के बजाय दही जमाती है और घरों में पानी की जगह नल आता है। एक बार पप्पू टैक्सी चालक को चलती हुई टैक्सी में बैठे पैसेंजर ने पीछे से कुछ कहने के लिए टैक्सी चालक पप्पू के कंधे पर हाथ रखा ही था कि पप्पू चालक जोर से चीखा, घबराया और टैक्सी का संतुलन खो बैठा। टैक्सी फुटपाथ पे चढ़ गई, पैसेंजर अपनी की गई गलती से लज्जित था। पप्पू टैक्सी ड्राइवर से माफी मांगी और कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ लगाने से तुम्हारा ध्यान इस तरह भटक जाएगा। पप्पू टैक्सी ड्राइवर ने चिढ़ने या नाराज होने की बजाय बड़ी विनम्रता से कहा, साहब आपकी गलती नहीं है, टैक्सी चलाने का आज मेरा पहला दिन है। पिछले 20 सालों से मैं मुर्दे ढोने वाली गाड़ी चला रहा था। ये सुन पैसेंजर बेहोश। कक्षा 5वीं में मैं डॉक्टर बनूंगा, कक्षा 10वीं में मैं इंजीनियर बनूंगा, कक्षा 12वीं में बस एक सरकारी नौकरी मिल जाए। ग्रेजुएशन के बाद भाई मैंने तुझे एक लिंक भेजा है, उसे डाउनलोड कर ले, 30 रुपए तुझे मिलेंगे और 30 रुपए मुझे मिल जाएंगे। एक सच बात, आप किसी भी इंसान पे आग बन करके भरोसा करने लग जाओ, वो इंसान आपको धोखे का तोहफा बड़े ही प्यार से देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक मजेदार पहेली सवाल का जवाब दे। पहेली पूछो, मैं जीवन में केवल एक ही बार आता हूँ, दोबारा नहीं आता हूँ, जो मुझको पहचान नहीं पाता है वो जीवन भर पछताता है। दोस्तों, इसका जवाब कमेंट करके बताएं। पत्नी ने अचानक पति को एक तमाचा चढ़ दिया। दिल मिलाते हुए पति ने पूछा, क्यों, क्या हो गया, मैंने क्या गलती कर दी? पत्नी बोली, मैं भी इंसान हूँ, सबर की भी सीमा होती है। आखिर कब तक तुम्हारी किसी गलती का इंतजार करती रहूँगी? ये सुन पति बेहोश हो गया। एक आदमी था जो स्कूल में पीरियड और छुट्टी का घंटा बजाता था, टन 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 टन। एक दिन स्कूल के नए प्रिंसिपल की नजर उस पर गई तो उससे पूछ बैठे उसके बारे में, कितना पढ़े लिखे हो तुम? आदमी ने बड़े मासूमियत से कहा, साहब अनपढ़ हूँ। प्रिंसिपल को ये जानकर हैरत हुई कि उनके इस प्रतिष्ठित स्कूल का घंटा बजाने वाला कर्मचारी अनपढ़ है। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। और फिर
उस घंटा बजाने वाले आदमी को स्कूल से निकाल दिया गया। अब वो आदमी बेचारा क्या करे, कुछ काम नहीं, भूखे मरने की नौबत। तो किसी ने उस पर दया करके सलाह दी कि वहाँ उस रास्ते पे समोसा बेचो, कुछ तो कमाई होगी। फिर उसने समोसे बेचना शुरू किया, ऊपर वाले की कृपा रही और उसकी जीतोड़ मेहनत की दुकान चल निकली। ठेले से टपरी हुई, टपरी से बड़ा दुकान, फिर बाजार की सबसे फेमस दुकान। जब उसका धंधा आगे बढ़ा तो उसने अपने बच्चों को भी इस काम में लगाकर और दूसरे धंधे आजमाए। आगे चलकर वो शहर का जाना माना सेठ बन गया, उसके कई प्रतिष्ठान हो गए। उसकी ख्याति सुन एक पत्रकार आया उसका इंटरव्यू लेने। बाकी बातों को पूछने के बाद उसने पूछा कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। पत्रकार को भी ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि इतना बड़ा सेठ तो बिल्कुल अनपढ़ है। पत्रकार ने कहा कि आप नहीं पढ़े लिखे हैं, फिर भी इतना बड़ा व्यापार किए, इतने सफल है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप पढ़े होते तो क्या कर रहे होते। सेठ ने कहा, स्कूल में घंटा बजा रहा होता। एक कड़वा सच, एक पुरुष की कामयाबी के पीछे कोई औरत नहीं बल्कि उसके बूढ़े बाप की जवानी होती है।